तो भारत जोड़ो यात्रा की दौसा पहुंचने से पहले राहुल गांधी गो बैक के स्लोगन लगने से हड़कंप मच गया। शहर में जगह जगह स्लोगन लिखे गए। आपको जानकारी दें कि कार्तिक भील, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र कुमार मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर को न्याय की मांग की गई है। स्लोगन से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आजाद समाज पार्टी यानी कि ASP और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दलित और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में दौसा शहर की सड़कों पर स्लोगन लगाए। इस स्लोगन में कार्तिक भील, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र कुमार मेघवाल और ओम प्रकाश रैगर के परिवार को न्याय देने की गुहार लगाई गई है। राहुल गांधी गो बैक के स्लोगन का पता चलते ही लालसोट रोड पुलिया की नीचे आनन फानन में पेंटिंग करवाई जा रही है, लेकिन शहर की मुख्य सड़क जहां से राहुल गांधी आगरा रोड के लिए जाएंगे वहां अभी भी कई जगह स्लोगन लिखे हुए हैं। तो राहुल गांधी गो बैक के स्लोगन जो है लिखे गए हैं, ऐसे में आपको जानकारी साझा कर दें कि इन स्लोगन में कार्तिक भील, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जितेंद्र मेघवाल, इंद्र कुमार मेघवाल और ओम प्रकाश रैगर के परिवार को न्याय देने की गुहार लगाई गई है। सहयोगी इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्लोगन लिखे गए हैं, ऐसे में आप आगे की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं इस स्लोगन के बाद? जी मैंने देखी, बिल्कुल दौसा शहर में ये स्लोगन लिखे गए हैं, जहां मेन सड़क है उस पर लिखे गए हैं, जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे। तो स्लोगन लिखने वालों की सोच है कि राहुल गांधी पैदल जा रहे हैं, ऐसे में सड़क के ऊपर स्लोगन लिखे गए, ऐसे में उनकी निगाह पड़ सके इन स्लोगनों पर और जो वो मांग कर रहे हैं उनकी वो मांग पूरी हो सके। हालांकि जैसे स्लोगन लिखने की बात चारों तरफ फैली तो पुलिस प्रशासन हड़कंप मच गया। पुलिस ने कल 2 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है दोनों युवक भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। नरेश मीरवाल और प्रशांत बैरवा को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। फिलहाल जो दोनों युवक है वो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि जो स्लोगन उस पर लिखा हुआ साफ साफ कि जो पिछले दिनों प्रदेश में जो कार्तिक भील, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र कुमार मेघवाल और ओम प्रकाश रैगर के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ न्याय की गुहार इन्होंने स्लोगन के माध्यम से राहुल गांधी से लगाई है और राहुल गांधी गो बैक के नारे लिखे हैं। तो उन्होंने, उनका कहना है कि पहले हमको न्याय चाहिए, उसके बाद में राहुल गांधी यहाँ से यात्रा निकाले। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है उनमें हड़कंप है, वो लगातार पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। वहीं जो नगर परिषद के कार्मिक हैं वो इन स्लोगों को मिटाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी कई जगह पे स्लोगन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो ढूंढ ढूंढ के स्लोगन लिखे हुए हैं उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका लक्ष्मी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्लोगन जो है मिटाने का काम किया जा रहा है और पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को जो है यहाँ पर पकड़ा गया है और इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।